बैठे हो और इतना सोचते हुए भी तो तुमने कभी सर्जी यह विचार किया कि तुम्हारा कार्य जो है वो धर्म के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तुम यह को प्रश्न करते हो कि मैंने वाटिका का फल क्यों खाया, पर हनुमान जी जन्म करते हैं कि बंदर शेर को कोई बाग लगाता नहीं, शेर को कोई खेती करता नहीं और वह संग्रह करना भी नहीं जानता। उसको तो भूख लगती है तो जहां पर वस्तु दिखाई देती है वहीं पर खा लेता है। इसका तात्पर्य है कि मेरी आवश्यकता तो इतनी अल्प है कि जितने मेरी भूख जितनी मेरी आवश्यकता है उतने देता हूं। तो रावण तुम्हारी भूख कितनी बड़ी है, कहीं 400 कोस के सोने की लंका पर तुमने अधिकार कर लिया। इतने पर भी तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई तो तुम्हें कुबेर के नगर पर आक्रमण करके उनका उसको विमान छीन लिया। और तुमने संसार में जहां पर भी कहीं सुंदरता देखी, सुंदरी स्त्रियां देखी, सुंदरी कन्याएं देखी तो तुमने उनसे विवाह करने का प्रयास किया और तुमने जाकर के सीधे मांग करके या बलपूर्वक उन कन्याओं से विवाह किया, बल्कि तुमने बहुत विवाह भी किया तो आक्रमण करके जीत करके किया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमार जीती बड़ी निज बाहुबल बल सुंदर बहुदार। हनुमान जी का तात्पर्य था इतने विवाह करने के बाद भी तुम्हारी भूख शांत नहीं थी, तुमको पेट की भूख तो दिखाई देती है पर अपने मन की भूख पर तुमने कभी विचार करके देखा? तो पेट की भूख की देर सीमा कितना भी अधिक खाने वाला कोई पेटू वीर क्यों हो, लेकिन अगर आप उसको खिलाते जाइए तो थोड़ी देर के बाद वो ये अवश्य कह देगा कि भाई बस। लेकिन ये तो मन का ही पेट इतना विशाल है इसमें चाहे जितना डालते जाइए कभी तृप्त का बोध नहीं होता। हनुमान जी का तात्पर्य यह है तुमने शरीर की भूख को आश्चर्य की दृष्टि से देखा लेकिन तुमने अपने मन की भूख की जो एक विचित्रता है कि जिस भूख में इतनी प्राप्ति होने के बाद भी तृप्त का बोध नहीं हुआ तुमने उस पर विचार नहीं किया। और मैंने वाटिका का फल अगर खाया तो तुम्हें चोरी लगी, पर जब तुमने सीता जी को चुराया तो तुम्हें चोरी चोरी नहीं जान पड़ी। इतने विवाह करने के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ और प्रभु की प्राण क्रिया उनकी आज्ञा शक्ति उनकी भगवान श्री राम का एक पत्नी व्रत का दिव्य आदर्श एक ओर तो भगवान श्री राम के जीवन में संयम की इतनी पराकाष्ठा है और दूसरी ओर तुम्हारे चरित्र में असंयम की इतनी पराकाष्ठा है कि तुम भरत को चोरी करते हो और तब तुम्हारे मन में धर्म के विषय में जिज्ञासा कम नहीं हुआ। आज मैंने अगर भूख के कारण फल खा लिया तो तुम जब धर्म के विषय में जिज्ञासा कर रहे हो कि मेरा कार्य धर्म के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। और उसके साथ साथ हनुमान जी का संकेत किया, रावण कह सकता है कि अच्छा चलो तुमने भूख लगी थी खा लिया पर उजागरने की क्या आवश्यकता। तो दो बात पर रावण ने क्या किया, रावण ने सारे संसार की सुंदरता को छीना, वैभव को छीना, लेकिन उसके पश्चात रावण दूसरा कार्य क्या करता है, नगर गांवपुर आग लगावे। रावण ने न जाने कितने नगरों को उजाड़ दिया, दूसरे के नगरों को उजाड़ने वाला अपने बाद के उजड़ने पर ब्रह्म कर रहा। ये विचित्र विरोधाभास और उसका अभिप्राय यह है कि तुमने तो वस्तुता किसी जब तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, जब सभी लोगों ने तुम्हारी अजीमता स्वीकार कर ली तो तुम्हारे दूसरों के नगर नहीं उजाड़ने चाहिए थे, गांव नहीं उजाड़ने चाहिए थे, पर तुम्हारी एक वाटिका उजड़ गई तो तुम्हें इतना कष्ट हुआ और संसार में न जाने कितने गांव नगर तुमने उजाड़ दिए तो तुम्हें कष्ट नहीं हुआ। हनुमान जी के द्वारा लंका जलाने में भी निहित संकेत था, करावण को कितना कष्ट हुआ अपने नगर को जलते देख करके, लेकिन वो कितने नगरों को विनष्ट कर चुका है। ये मानो प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे से धर्म की आशा करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में उस सत्य को हनुमान जी रावण से समक्ष रखने के लिए ही इस प्रकार का व्यवहार करते। और हनुमान जी ने जब रावण से ये कहा, बड़ी विचित्र बात कह दिया, उन्होंने कहा रावण खाए फल क्रम लागी भूखा और कब स्वभाव से सोरे भूखा, कि ये तो बंदर का स्वभाव है कि वो डालों पर छलांग लगाता है और मैंने बंदर के स्वभाव से अगर तुम्हारी वाटिका में चारों ओर बात उजाड़ दिया तो तुम्हें बंदर के स्वभाव को देख करके उसे क्षमा करना चाहिए। वैसे अगर देखें तो हनुमान जी का उत्तर युद्ध संगत नहीं है,
क्योंकि अगर आप किसी से यह कहें कि मेरा तो स्वभाव ही तोड़ फोड़ करने का है, तो ये बात सुन करके तो कोई प्रबंध नहीं होगा कि आप बड़ा सा स्वभाव दिए हुए। पर हनुमान जी का धैर्य यह था कि अगर एक विद्वान ब्राह्मण एक मुनि का पुत्र अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा तो एक बंदर अपने स्वभाव को कैसे बदलेगा। इसलिए तुम दूसरों से आशा करने से पहले अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा करो, जिस धर्म की प्रतिष्ठा तुम दूसरे के जीवन में देखना चाहते। हनुमान जी ने रावण का एक पुत्र मार डाला और हनुमान जी रावण की सभा में जाकर के खड़े हुए। हनुमान जी को खड़े देख करके रावण को पहले तो प्रसन्नता हुई, लेकिन अगले क्षण गोस्वामी जी ने लिखा कभी विनोद की जताने में देता खूब जोर से रहता और हनुमान जी को बड़ा फटकारने के शब्द ने उनकी हंसी उड़ाई। लेकिन अगले क्षण का याद आ गई कि अरे मेरा पुत्र मारा गया है और सब उसके अंतःकरण में विषाद छा गए। हनुमान जी का संकेत यह था कि रावण तुम्हारे एक पुत्र की मृत्यु हो गई और तुम इतने अनगिनत पुत्रों के पिता होते हुए भी एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी तुम अपने शोक को रोक नहीं पाते और संसार में न जाने कितने अनगिनत पुत्रों को तुमने मार डाला। तब तुमने दूसरे पिताओं के हृदय पर विचार किया कि उनको कैसा कष्ट हुआ होगा। तुम उस अनुभूति को जो दूसरों के जीवन में देखना चाहते हो अपने जीवन में जरा बरस करके तो देखो। रावण ने पूछा तुमने राक्षसों को क्यों मारा, तो हनुमान जी ने कहा मैंने तो नहीं मारा, तब जी ने मुझे मारा से ही मैंने पहले तुम्हारी ओर से तुम्हारे जो सैनिक थे उन पर मैंने आक्रमण किया, मैंने उन पर पहले आक्रमण नहीं किया। और उसका अभिप्राय यह है कि तुम सर्वदा आक्रमण में पहले ही तो करते आ रहे हो, जहां तुमने संसार में आक्रमण किया तो तुमने अपनी ओर से आक्रमण किया और मेरे ऊपर आक्रमण हुआ तो यही मैं मारा यही मैं मारा, जिसे जितने मुझे मारा बदले में मैंने उस पर प्रहार किया। और हनुमान जी ने एक बात और जोड़ दिया, बोले अभी तक तो सब बातें बराबर होती है लेकिन अभी एक उधार बात बाकी रह गई, अभी इसके खुलदार से मुझे कुछ न कुछ करना। और क्या, बोले कहीं पर मालूम बने तुम्हारा इसके बाद तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया, इसका बदला अभी तुम्हें नहीं मिला है पर इसका भी मिलने की संभावना है, इसलिए तुम उसके लिए भी तो प्रस्तुत हो जाओ। अगर तुम मुझे बंधन में बांधना चाहते हो, तुम मुझे कैदी बना करके परतंत्र बनाना चाहते हो, तो तुम परतंत्र बनाने का अर्थ ये हो कि तुम्हारे मन में यही भावना तो है कि अगर हम इस व्यक्ति को जिसको बनवा लेते हैं तो बांध लेने के पश्चात वह व्यक्ति परतंत्र हो जाता है, उससे मनमाना व्यवहार किया जा सकता है। पर तुम अनुभव करोगे जो दूसरे को बंधन में बांधना चाहता है परतंत्र बनाना चाहता है कवा व्यक्ति जो है एक ऊंटा दृष्टि दिखाई देता है। क्या हनुमान जी बंधन में बंधे हुए थे और बंधन में बंधे हुए हनुमान जी की पूछ में रावण ने आग लगाने का आदेश दे दिया, कितना दलित विचार। रावण कहता तो यह है कि बंधन को दंड नहीं किया जाए, जिसको अन्य दंड किया जाए, जो अन्य दंड देने के लिए रावण निर्णय करता है कि अच्छा इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो, केवल पूंछ जलाई जाएगी बंदर को नहीं मारा जाएगा। पर अगर रावण के मन में सद्भाव होता तो रावण एक कार्य करता ना, क्या कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने से पहले हनुमान जी को छोड़ देता, लेकिन हनुमान जी को बांध करके उनकी पूंछ में आग लगाने का तात्पर्य क्या। आपके किसी अंग में या कपड़े में आग लगे और आपका हाथ खुला हुआ हो तो आप उस आग को बुझाने की चेष्टा करेंगे, पर कोई व्यक्ति किसी को बंदी बना दे चारों ओर से रस्सी से जकड़ दे और जकड़ देने के बाद आग लगा दे और ये कहे कि हम तो केवल एक अंग जलाना चाहते थे, स्पष्ट तात्पर्य है कि उसके मन में एक कपट था। कपड़ को तो ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी बात मान करके मैंने अपना दंड वापस ले लिया, पर रावण ने सत्य दंड देने का निर्णय किया बड़ी क्रूरतापूर्ण पद्धति, तलवार से सरकार किया जाए तो वो तो खड़खड़ता आघात है, लेकिन किसी को रस्सी से जकड़ करके आग लगा दी जाए और वो अपने आप को आग लग रही हो और वो चेष्टा करके भी अपने को छुड़ा करके आप से अपने को मुक्त न कर सके, इसका अभिप्राय यह है कि रावण के अंतःकरण में जो बुद्धि है जो कुटिल बुद्धि है तब उसको प्रेरित करती है कि मैं ये कर सकूं कि मैंने तो केवल पूछ जलाने की चेष्टा किया, अब अगर बंधन चल गया तो मैं क्या करूं। पर रावण की यह कूट बुद्धि उदाहरण जी ने रावण से कह दिया था।
जो राहुल ने हनुमान जी से कहा तो मुझे उपदेश देने की चेष्टा करते हो, देख लो मृत्यु ने कहा आई खल को ही मृत्यु तुम्हारे निकट आई भी है। हनुमान जी ने कहा आई तो है लेकिन एक बात मैं और जो हूँ क्या मेरे उल्टा होगी कहा हनुमान आई तो है पर शायद तुम्हें खाने के लिए आई है, मुझे खाने के लिए नहीं आई है, मुझे तो यही थोड़ा इसी का उत्तर देने के लिए राहुल ने कहा कि इस बंदर को मार खाना पता चल जाएगा कि मृत्यु तुमको खाने के लिए आई और तब क्या दिखाई देता। हनुमान जी तो उस कला में निपुण है जिन्हें भगे हुए थे पर अपने को छुड़ा दिया उन्होंने। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि रावण तो बने मुझे जिस बंदर में बांधा था तो उससे तो झुकने की कला मुझे आती है लेकिन तुमने जो अपने आप को जिस बंदर में बांधना के बंदर में बांध लिया उनसे झुकने की कला तुम्हें तो आती है। तुमने दूसरे के विषय में देखा तो तुमने तो हनुमान जी ने हर प्रश्न का उत्तर रावण की इसी रूप से दिया। हनुमान जी ने पहले कूट को फैलाया और कूट को फैलाया तब जब रावण ने एक बात से कहा कि बंदर की कूट इतने जलाई जाए कि बंदर की सबसे अधिक ममता पूछ में होती है कब कह ममता पूछ पर समय कह समझा। हनुमान जी ने रावण का यह वाक्य सुना और कूट को फैला रखना रंग कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद हनुमान जी ने कूट को समेट दिया। ये भी रावण पूछ कर बोले रावण तुम अपने और मेरे अंदर को देख तुम मेरी ममता को जलाना चाहते हो और तुम कहते हो कि बंदर की पूछ में ममता है तो होगी तुम कहते हो तो ठीक ही होगा भी साथ वाले हो लेकिन मैं तो ममता को फैलाना और समेटना तुम दोनों जानता हूं पर ये बताओ कि तुम जो ममता को फैलाने वाले हो तुम कैसे समेटना तो जानते नहीं तुम्हें फैलाने की कला आती है तुमने चार प्रकोप में लंका को फैला दिया इस लंका को तो समेट नहीं पाओ पाओगे वो जो समेटना जानता है वो जलने से वस्तु को बचा लेता है और जो व्यक्ति समेटना नहीं जानता वो अपनी वस्तु को जलने से कैसे रोके और मेरी ममता का केंद्र तो बड़ा छोटा सा है और फैलने के बाद भी समेटने की कला आती है पर तुम्हारी ममता कितनी दूर तक फैली हुई जरा दृष्टि डालो। जब हनुमान जी निमुख करके निकल गए तो हनुमान जी ने कहा तुम निमुख नहीं सकते हो क्यों हनुमान जी जब निमुखने लगे तो अत्यंत छोटे बंधु हनुमान जी ने कहा तुम अभिमान के कारण छोटे बंदा तो जानते ही नहीं हो इसलिए कभी जीवन में निमुख भी नहीं पाओगे जिससे तुम विश्वास रखो कि तुम जो चेष्टा दूसरे के लिए कर रहे हो तुम्हारे ही विनाश करेंगे। और उसके पश्चात हनुमान जी ने इतना कार्य किया कि निमुख की जड़ों का भी कल काट आ गई और तब बोले भाई सभी तो निशाकर नारी इस समय हनुमान जी तो लंका के शिखर पर लंका के भवनों के शिखर पर पहुंच गए राक्षसियां डरने लगी रावण को बड़ा क्रोध आया बंदर स्त्रियों को डरा रहा पर हनुमान जी ने याद दिलाया असों को वाटिका में अभी तुम राक्षसियों को क्या कर करके आए कि सीता को डराओ क्यों सीता जी को डराने के लिए हजार राक्षसियों को नियुक्त करने की चेष्टा करते हो पर जब तुम्हारी स्त्रियां घर से तुम्हें लगता है कि ये कार्य घर में संगत नहीं हो रहा इससे संगत नहीं हो रहा और तब हनुमान जी के द्वारा प्रत्येक क्रिया में हनुमान जी के प्रत्येक कार्य में रावण के इस चरित्र पर गंग है जो दूसरों से धर्म की आशा करता है पर स्वयं अपने जीवन में धर्म के पालन का प्रयास नहीं करता है धर्म की रक्षा की चेष्टा नहीं करता है और परिणाम क्या होता है ये रावण की निरुपायता की पराकाष्ठा जो बना हुआ था वो स्वतंत्र हो गया और जो स्वतंत्र था रावण वो अपनी आंखों से इतनी बड़ी लंका को जलते देख रहा है और कितनी बड़ी निरुपायता है कि रावण उस लंका को जलने से रोक पाने में असमर्थ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा हनुमान जी का कार्य जो था तो रावण के चरित्र पर एक जन्म था एक सजीव उत्तर था और हमारा संकेत था कि रावण जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अधर्म की स्थिति अधर्म का पालन करते हुए दूसरे से धर्म की आशा रखेगा उसको अंत में को भी स्वीकार करना पड़ेगा विनाश ही स्वीकार करना पड़ेगा और यही तुम्हारा चरित्र है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके चरित्र में रावण के समान धर्म अधर्म होता है और दूसरे से धर्म की आशा करते और जिनसे ऊंचे जो उठते हैं कभी स्वयं धर्म का पालन करते हैं और स्वयं धर्म का पालन करने के साथ साथ दूसरों के प्रति भी धर्म के पालन में अत्यंत कठोर होते हैं। चरित्र के प्रति के रूप में विचार करके देखें तो भगवान परशुराम का भी चरित्र है किसी का प्रति परशुराम जी को कहते हैं कि वे भी भगवान की 24 अवतारों में एक अवतार और हनुमान राम को भी कहते हैं कि वे भी अवतार हैं और वो अगर देखें नाम की दृष्टि से वर्ण की दृष्टि से तो लगता है कि परशुराम ही बड़े
कोई धर्म न हो और ऐसा व्यक्ति होगा कि जिससे हमें न ज्ञान हो
मेरा अभिप्राय यह है कि धर्म का पालन करते हुए जब कभी ऐसा होता है धर्म के चरित्र मंत्रालों की शत्रु मुझे दंड देने लगे तो प्रारंभ में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अधिक दंड देने लगे तो गौतम जी ने एक शब्द कहा अब श्री भरत के लिए हुई बात। श्री भरत कौन है? कब भरत नहीं धर्म पुरंदर जाए, जैसे भगवान श्री राम धर्म पुरंदर है तो वैसे श्री भरत भी धर्म पुरंदर है। लेकिन धर्म के साथ श्री भगवान राम के चरित्र का संबंध उसमें भी क्या जब शत्रु जी मंत्रा को पकड़ करके घर जीतने लगे तब गौतम जी ने वाक्य लिखा भरत दया निधि जीवन पड़ा। श्री भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ लिया और कहा तो प्रश्न ये है कि जिस मंत्रा के कारण कैकेयी जी की बुद्धि भ्रष्ट हुई और इतने बड़े अलर्ट हुए भगवान श्री राम को मर जाना पड़ा, श्री छोरी जी और लक्ष्मण को मर जाना पड़ा, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो उस अपराधी को दंड देते समय शत्रुघ्न जी ने हाथ क्यों पकड़ लिया? तो गौतम जी ने कहा दया और शत्रुघ्न श्री भरत जी की भावना क्या थी? बोले भैया मंथरा को दंड मत दो। क्यों? बोले दो कारण। क्या? तब तुम मंथरा को दंड देते हो, मंथरा पर प्रहार करते हो इसलिए कि मंथरा ने खरियत किया, लेकिन यह तो अल्प बुद्धि वाली लाती है, पर यह तो महारानी हमारी माता और महारानी होते हुए भी कैसे नरेश के पुत्र होते हुए भी कभी मंथरा के बर्तावे में आ गए, उन्हें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जो समर्थ अपराधी हो उसको दंड न मिले और जो असमर्थ अपराधी हो उसको दंड मिले, तो ये तो जाएगी दृष्टि से भी ठीक नहीं हुआ। अगर दंड मिलना चाहिए तो जो जो सबसे जो जान बूझ करके अपराध करे वो अधिक दंड का भागी है और जो अनजाने में अपराध करे वो कम दंड का भागी। मंत्रा ने अनजाने में अपराध किया पर कहके अम्मा ने तो जान बूझ करके अपराध किया, तो न्याय की दृष्टि से भी ठीक है। और उसके साथ श्री भरत की भावना तो बढ़िया होती है। श्री भरत ने कहा कि भैया हम लोगों के स्वार्थ की दृष्टि से भी यही अच्छा है कि मंथरा को छोड़ दो, केवल न्याय मत करो। क्यों? बोले अगर हम लोग कहीं न्याय करने बैठे और भगवान का स्वभाव है ये था मान प्रभु जिनसे शास्त्र से बजाते हम और प्रभु भी कहीं हम लोगों के प्रति न्याय करने बैठे तो अपराध का कितना दंड मिले, पर अगर मंथरा को छोड़ देंगे तो हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जैसे हमने अपराधी को छोड़ा है वैसे ही मुझे भी आप अपराधी समझ छोड़ दीजिए, अगर क्षमा कर सकता है तो आप कितने करुणामय है कितने क्षमा की है। इसलिए जो व्यवहार हम स्वयं चाहते हैं उसका अर्थ यह है अगर हम क्षमा स्वयं चाहते हैं कृपा चाहते हैं तो दूसरों के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम दूसरों के प्रति भी तो कृपा का व्यवहार करें। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो अपने प्रति कठोरता चाहता हो, अपने प्रति न्याय चाहता हो? नहीं नहीं, हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कृपा चाहता है, कोमलता चाहता है, पर जब दूसरों के विषय में हम विचार करने के लिए बैठते हैं तब हमारा धर्म ज्ञान इतना प्रबल हो जाता है कि उस धर्म ज्ञान की प्रबलता के कारण हम दूसरों की अपनी मर्यादा का तौर पर बड़ा ख्याल आता है। हमारी मर्यादा चली गई, हमारी मर्यादा का रक्षण नहीं हुआ, लेकिन दूसरे की मर्यादा इसलिए रामचरित्र से आप देखेंगे क्या श्री किशोरी जी से जब हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी श्री किशोर जी के पास से लौटने लगे तो उस समय श्री किशोर जी ने कहा कि हनुमान तुम मेरे कुछ मेरी कुछ प्रार्थना तक पहुंचाना है, पर प्रार्थना पहुंचाने के पहले तुम प्रणाम करो। लेकिन प्रणाम किस को करना? माने एक शब्द कह दिया, माने शब्द कहा पहले लक्ष्मण को मेरा प्रणाम कहना और बाद में सबको प्रणाम कहना, और ये समेत और प्रणाम ही मत कहना तुम मेरी ओर से लक्ष्मण का चरण पकड़ गया। अनुज समेत गहे प्रभु चरणा दीन धर्म पर आरोप करना, लक्ष्मण जी का चरण पकड़ देना और प्रभु का चरण पकड़ करके ये कहना। दो बातों पर ध्यान दीजिए, एक तो माने लक्ष्मण से कुछ कहलवाया नहीं और प्रभु से कहलवाया, तो लक्ष्मण जी से कहलवाया क्यों? उन्होंने कहा कि हनुमान तुम लक्ष्मण की मेरी ओर से जब लक्ष्मण का चरण पकड़ लोगे तो मुझे विश्वास है कि लक्ष्मण का जो उदार हृदय है वो इतने में सबको समझ लेगा, जो मैं कहना चाहती हूं वो समझ लेगा, इसलिए उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पर हमारे सबको सब जान करके भी अनजान बने हुए हैं इसलिए लगता है कि उनको समझाने की आवश्यकता आवश्यक है, तो वो सर्वत्र होकर के जानते हुए
तुम्हें भी अज्ञान बन करके मुझे इस प्रकार से लंका में कष्ट में संलग्न होते देख रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के चरणों को किशोरी जी ने जब पकड़ने के लिए कहा तो अगर देखें तो धर्म और मर्यादा की के प्रतिकूल है। लक्ष्मण जी के चरण लक्ष्मण जी को महोत्तर माँ के चरणों में प्रणाम किया करते हैं, माँ के चरणों को पकड़ा करते हैं। और आज माँ कहती नहीं लक्ष्मण का चरण पकड़ देना ज्यादा अच्छा है किशोर जी, और लक्ष्मण जी को पकड़ा नहीं तो चरण ही क्यों पकड़ पकड़ गए। श्री किशोर जी का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी के चरण का क्या और उनके चरणों को पकड़ने की आवश्यकता क्यों। श्री किशोर जी के हृदय में एक बहुत बड़ा बच्चा था और जहां कोमलता होती है सहृदयता होती है वहां पर जिस प्रकार का बच्चा था वे मिला नहीं होता। श्री किशोर जी ने कहा परमान जब मैं अयोध्या से चली तो 14 वर्ष 13 वर्ष 2 मास तक कम से कम लक्ष्मण हम दोनों के पीछे चले, पर धन्य है लक्ष्मण के चरण का व्यक्ति कितना सावधान क्यों न रहे। घंटे दो घंटे सावधानी रहती है कि हमारे बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है हर पर दया बन गया कि किसी महात्मा के पास जाइए वो खड़े हो जाते हैं तो आप भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही अगर दिन रात रहने लगी तो फिर सोचने लगते हैं कि भाई अभी तो दिन रात खड़े होते रहे अब कहां तक खड़े हो। इसका अभिप्राय कि बहुत परिचय हो जाने के बाद फिर व्यक्ति जो है उसकी मर्यादा शिथिल हो जाती है, का व्यक्ति जो है असावधान हो जाता है, अत्यंत परिचय में अवज्ञा ये व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन अगर लक्ष्मण जी कितने सावधान 14 वर्ष तक निरंतर श्रम के साथ चले पीछे चले, पर पीछे चलने में भी लक्ष्मण जी कैसे चले कौन इतना सावधान होगा। गौतम जी कहते हैं सी राम पद अंक बनाए और लक्ष्मण चलन मत दाई मिला। लक्ष्मण जी निरंतर अपनी दृष्टि को नीचे फिरकी हुए चलते रहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे चरण के द्वारा भगवान राम और सीता जी के चरण की कोई रेखा मिट जाए। सीता जी का तात्पर्य क्या बोले लक्ष्मण के चरण खले हैं कि जिन्होंने 13 वर्ष 2 महीने तक लगातार पीछे चल करके भी कभी मेरे चरण की रेखा को मिटने नहीं दिया। पर मैं इतनी बड़ी अपराधी हूं कि जिस लक्ष्मण ने इतने वर्षों तक मेरी रेखा की रक्षा किया मैं उस लक्ष्मण की रेखा को 2 घंटा भी न रख पाई, उसकी रक्षा न कर पाई, इसलिए मैं अपराधी हूं और लक्ष्मण से बढ़कर के पूजी हुई। और कर मर्यादा केवल बड़े की होती है क्या, छोटे की मर्यादा मर्यादा नहीं होती। बड़ा अपने मर्यादा की चिंता करे और स्वयं छोटे की मर्यादा का ध्यान न रखे तो उसका अभिप्राय यह है कि वो स्वयं उद्देश्युत हो गया। उसका तात्पर्य यह है, इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण का संकेत तो समझ नहीं होंगे। लक्ष्मण जी ने तो सीता जी के चरण की रेखा की रक्षा की और लक्ष्मण जी ने जो रेखा बनाई जो चरण से थोड़ी बनाई वो तो हाथ के द्वारा धनुष के द्वारा बनाई। उसका अभिप्राय है बोले लक्ष्मण ने चरण की रेखा भी नहीं मिटने दिया और मैंने हाथ की रेखा की भी रक्षा करना कर्तव्य नहीं पाया। इसलिए लगता यह है कि लक्ष्मण अपने व्रत में अंतर है और जो मुझे आज तक मिला है इसका एकमात्र तात्पर्य यही है कि मैंने लक्ष्मण के प्रति इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया। लक्ष्मण के प्रतियों का जैसे लक्ष्मण कटुवचन कहा कृष्ण किशोरी जी का अभिप्राय था कि भगवान जब मैं राक्षसों के कठ शब्दों को सुनती हूँ तो मुझे एक ही बात लगती है कि मुझे इतने कठोर शब्द क्यों सुनने को तो जीवन भर मैंने किसी को कठोर शब्द नहीं कहे तो मुझे कठोर शब्द सुनने को नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि कर्म प्रधान जिसको करे जाता जो जन्म करे इसको तक फल जाता। लेकिन मुझे आज इतने कठोर शब्द को सुनने को मिल रहे हैं कारण मैंने लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग न किया होता तो आज लंका तो मुझे राक्षसियों का कठोर शब्द सुनने को न मिलता। इसलिए अगर मेरा किसी के प्रति पूरा अपराध है तो लक्ष्मण के प्रति है और इसलिए मैं अगर उनके चरणों में लप होकर के उनसे अपराध क्षमा याचना करूं तो ये सर्वथा उचित है और किसी भी प्रकार से मेरी ओर से लक्ष्मण जी का चरण पकड़ने में संकोच न करना। ये किशोर जी की करुणा और उनकी जो आत्मनिरीक्षण की वृत्ति है उनकी पराकाष्ठा का यह संकेत। और दूसरी ओर आप विचार करके देखें परमराज जी की अपूर्णता क्या है और भगवान के अवतार होते हुए भी सरकार से बोलना भी संकेत किया और भगवान राम और परमराम जी तो सामने थे पर ये लक्ष्मण जी उनके सामने को तो आप लक्ष्मण जी का चरित्र तो नहीं है अभी प्रारंभ हुआ है कल से आप उससे अनेक बातें सुनेंगे पर इस संबंध में केवल मैं इतना कहूंगा कि लक्ष्मण जी जो है मानो एक
दर्पण शीशा, और हनुमान राम ने वो शीशा परशुराम जी के सामने कर दिया और चार शीशा आपको सबसे सुंदर शिक्षा दे देता आप तरफ प्रतिकूल पर समाचार अपने प्रतिकूल आप जो है अपने जो आपको अच्छा लगे वो व्यवहार आप दूसरों से मत कीजिए। तो सीता क्या करता आप सीते के सामने खड़े हो जाइए और फिर देखिए देखे आप होते तो सीता सीते में आप भक्ति में दिखाई देंगे आपकी भोरे कैसी होगी तो सामने भोर कैसी होगी आप वो बना लेंगे तो सीते में वो बना हुआ दिखाई देगा और उसका अभिप्राय है आप जैसे होते हैं सीते के सामने खड़े होकर के आप अपने को देख लेते हैं कि ये अब आप सीते पर अगर भोग करें ये सीता को बिगाड़ करके मेरे सामने खड़ा है जैसी भोरे के लिए है तो ये सर्वथा निरंतर बात तो सीते के सामने तो हम लोग भोग नहीं करते लेकिन सीता क्या है अगर आप विचार करके देखें तो ये सीता लक्ष्मण जी गोरे तो परशुराम जी गोरे दोनों गोरे दिखाई दे रहे हैं पर उसमें क्रम है और उस क्रम का संकेत क्या है परशुराम जी की अपूर्णता को दूर कौन करता भगवान राम करते और भगवान राम के करने का अवसर क्या है अंतर ये बड़ा बढ़कर के तो संसार में कोई व्यक्ति दूसरे को उपदेश दे सकता है पर भगवान राम चरणों में गिर करके नम्रता के द्वारा किस प्रकार से परशुराम की अपूर्णता दूर कर देते हैं नियम तो ये होता है कि बड़ा छोटे की अपूर्णता दूर कर देता है लेकिन भगवान राम अपने को छोटा बना करके परशुराम की अपूर्णता को किस तरह से दूर कर देते हैं और दूर नहीं कर देते भगवान राम की भाषा बड़ी को है पर भगवान राम की भाषा के लिए गौतम जी ने एक बात कहा है सुने मृदु गुण बदल भगवान राम की जो वाणी है वो सुनने में तो मृदु पर भीतर से बड़ी गुण तो गुण क्या है लक्ष्मण जी सामने क्यों क्यों खड़े हर वस्तु में परशुराम का जो प्रतिबिंब है लक्ष्मण जी में दिखाई दे पर परशुराम जी ये समझते हैं कि ये नहीं समझ पाते ये तो मेरा प्रतिबिंब है कल तो यही अनुभव कर रहे हैं कि ये लक्ष्मण मेरे प्रति अनुचित व्यवहार कर रहा जो तो जी ने इसी क्रमता को उल्लेख किया है क्या तो परशुराम जी से जब लक्ष्मण जी वार्तालाप करने लगे तो उन्होंने सबसे पहले आरोप लक्ष्मण पर लगाया क्या रे सिर्फ बालक काल वक्त बोलत गुरु ने कहा अरे राजा के लड़के तू काल के वक्त में है तू प्रभाव के नहीं बोलता इसका आप बड़ा प्रतिकूल परेशान सभा करे परशुराम जी ये चाहते हैं कि दूसरा सवाल के बोल पर अभी थोड़े देर पहले लक्ष्मण जी बोलने से पहले लक्ष्मण जी पहले कोई बोले पहले परशुराम जी बोले और किससे बोले तो संसार के सबसे बड़े तत्वों के यानी जिनके यहां बड़े बड़े गुरु शिक्षा लेने के लिए आते थे उन जनक के और जनक से बोले तो परशुराम जी कैसे बोले बोले कहो जरे जनक गुरु के तो अरे मूर्ख जनक बदला गुरु किससे बोला और लक्ष्मण जी पर बिगड़ रहे कि सवाल के नहीं बोलता और जात क्या होती है सवाल के न बोले और दूसरों से सवाल के बोलने की आशा रखे यही खास बात यही कौन सी कटौती आप अपने को कटौती पर कर करके तो देखिए जो आप दूसरों से आशा करते ठीक है आपने संसार में अत्याचार को निरस्त किया है धर्म की संस्थापना की है पर धर्म की संस्थापना करने के बाद इस समय जो आपका व्यवहार है कब वो कहां सरकार करे और कर्म से देखेंगे तो सर्वत आपने ले लेंगे एक बात जाता है बोले पर धरे अपमाने लक्ष्मण जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि परशुराम का अपमान कर रहे हैं लेकिन ये अपमान का जीवन लक्ष्मण की ओर से हुआ कि परशुराम की ओर से हुआ उसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी की ओर से अपमान का जीवन कहां से हुआ जब परशुराम जी आए थे तब तो भगवान राम और लक्ष्मण जी ने जाकर के दोनों ने प्रणाम किया था ये तो नहीं था कि भगवान राम ने परशुराम जी को प्रणाम किया हो और लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया अगर ऐसा होता तो कह सकते थे कि भाई भगवान राम का व्यवहार तो कोमल था पर लक्ष्मण जी का व्यवहार निष्ठुर था जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया तो इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को सम्मान किया पर परशुराम जी ने बदले में सबको अपमानित किया और जब सबको अपमानित कर दिया तब जब सबको अपमानित किया और अपने लिए एक वाक्य भी यद्यपि उस वाक्य में भी संतुलन था फिर भी अपमानित की अनुभूति होने लगी तो मानो ये दर्पण की तरह बोले महाराज जो जो बात आपको नाम समझा रही जरा लक्ष्मण रूप शीशे में देख लीजिए कि इनसे आप कितने अलग हैं आपको क्या क्या बुरा लगा आज चल करके देखे आप तो परशुराम भगवान श्री राम से वार्तालाप करते हुए जब वार्तालाप करते हैं तो ये कहते हैं फरसा ऊपर उठाए हुए हैं फरसा दिखाते हैं और फरसे को
देख करके जब लक्ष्मण जी देख करते हैं तो उनका क्रोध दोगुना बढ़ जाता है। पर भगवान श्री राम का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री राम का तात्पर्य था कि महाराज आप किसी को ऐसी वस्तु दें कि जो आप किसी को ऐसी वस्तु दें जो बड़ी गर्म और उसको गर्मी लगे या उसमें गर्मी दिखाई दे तो आप ये कहने लगे कि तुम्हें गर्मी क्यों हो रही। तो ये तो देने वाले कर्तव्य है कि वो सावधान होकर के देखे कि आपने ऐसी वस्तु दी। और भगवान श्री राम ने बड़ी ऊंची भाषा में संक्रांत को संकेत कर दिया। बोले महाराज ये बताइए तो ये तो विचित्रता आपकी है। भगवान राम ने इसीलिए एक बात कह दिया। वैसे तो लक्ष्मण को शांत कर रहे हैं, लक्ष्मण की अनुद्रा भी धीरे धीरे लग रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन धीरे से बात बदलाव कह दिया। क्या बोले देश दिलों की कहे कि तत्व बालक तुम नहीं हो महाराज, जितने आपका देश देख करके कहा और स्पष्ट कर दिया। क्या बोले जो तुम औसे की नाई तो पता धर्म हो पाई। महाराज आप ये बताइए अस्त्र युद्ध के लिए होता है कि नहीं? अस्त्र तो युद्ध के लिए होता। तो जब आप अस्त्र उठा करके खड़े होंगे और युद्ध उत्तीर्ण है तो सामने वाले में युद्ध की प्रेरणा वो उत्पन्न होगी कि नगर की प्रेरणा उत्पन्न होगी? तो इसका अभिप्राय यह है कि आप शस्त्र लिए हुए हैं पर शस्त्र को लेकर के भी आप युद्ध से घृणा कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये तो व्यवहार का मूल केंद्र जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको लक्ष्मण के हाथ में और यही परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कह दिया। जब परशुराम जी लक्ष्मण से वार्तालाप करने लगे तो परशुराम जी के मन में सबसे बड़ी आस्था किस बात की हो? परशुराम जी ने एक गौतम जी ने अंदर बताया और राम के चरित्र में तो वही पार करते क्या भगवान राम के हाथ में तो बहुत पार रहता और संस्कार को सत्य और सत्य को सर्वदा तक हो। पर अंतर क्या भगवान राम के हाथ में तत्व भले ही हो पर भगवान राम के हृदय में कृपा और कुमरता कठोरता और कृपा धर्म धनुष बाण लेकर के सब धर्म की रक्षा करते हैं अधर्म को दंड देते हैं पर हृदय की कोमलता के द्वारा हृदय में कोमलता लेकर के निरंतर को दंड देते हैं उसके प्रति भी कृपा धन परिचय देते हैं। ये भगवान राम के चरित्र की विशेषता। पर राम की समस्या क्या ऊपर से मुनि और भीतर से कठोरता ऊपर से शांत देश और भीतर से शांत देश मंदी करेंगे शांत देश से अभी कठिन अरे देश कठिन हो और हृदय शांत हो तब तो पहुंच जाता है पर देश तो शांत हो और गर्मी कठिन हो कत्ल को बड़ा विचित्र विरोधाभास जिससे चरित्र शस्त्र को सबसे ऊपर उन्होंने कर दिया। और जब लक्ष्मण जी से वार्तालाप करने लगे तो नियम क्या कि जिससे आप बातचीत करें उसकी ओर देखें और भरतदास जी बात कर रहे हैं लक्ष्मण और देश किसकी ओर है? बोले बोले चितई पर्वत की ओर भरते की ओर देख करके बोल रहे हैं और दास में उनको फोन आ गया। बोले बार बार परशुराम कहते क्या? जब लक्ष्मण जी ने उस ओर नहीं देखा तो फिर बिदा करके बोल क्या? बोले परम विलोक मनीष कुमार अरे मेरे प्रत्येक की ओर देखा। लक्ष्मण जी का दंड था। बोले महाराज आप मेरी ओर भी न देखते हो मैं आपके पर्दे की ओर देखू ये कहा गया? मैं आपके सामने खड़ा हूं पर आप एक बात भी मुझे नहीं देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं मुझसे देख रहे हैं किसी और को और मुझसे आप आग्रह कर रहे हैं कि मैं चेतन को छोड़कर के जड़ को देखू। कहिए ये उनकी बात? अरे उनकी बात पर बोले जो व्यक्ति जड़ को छोड़कर के चेतन को देखेगा उसको दंड हो जाए। संसार में जड़ता है और ईश्वर में चेतना है। जो व्यक्ति जड़ता को छोड़ करके चेतना की ओर दृष्टि डालेगा वो दंड हो जाएगा। परशुराम जी ने उल्टा कर दिया। क्या यही पर नहीं ऐसे पहले भी इन्होंने यही किया? आए तो पहले चेतन को देखे। किसको देखे? भगवान राम को। भगवान राम ने जब चरणों में प्रणाम किया तो परशुराम जी ने देखा और देख करके प्रणाम लाया तो वो सब ने लिखा राघव की सही रहे थे कि लोटन नेत्र से भगवान राम को देखा और देखते ही नेत्र जो है रस में डूब गए प्रेम की अनुभूति होने लगी। उसके पश्चात गौतम जी ने तुरंत ग्रहण किया और शब्द भी कितना सुंदर सुना। परशुराम जी भगवान राम को देखते देखते अचानक देखना उन्होंने बंद कर दिया। सब कुछ को देख रहे थे। गौतम जी ने कहा परशुराम जी जो है बोले परशुराम जी जो है देखते क्या अत्यंत नहीं डाले धनुष की ओर देखे धनुष जलक और भगवान राम के तरफ बोले सच्चिदानंद को देखने के बाद जड़ पर दृष्टि डालेगा तो इसको ऊपर से नीचे उतरना। और दूसरा भाग कह सकते हैं शक्ति को तंत्र कितना था वो धनुष भी कहेगा बोले देखे
ओर बढ़ना चाहिए, पर जो अकर्ष से खंड की ओर बढ़ेगा। और उसके बाद लक्ष्मण जी को भी वही पाठ पढ़ा में कि तुम भी चेतक को देखना बंद करके जड़ की ओर देखना प्रारंभ कर दो। तो लक्ष्मण जी को लगा कि महाराज आपका पाठ अगर मैं दोहराऊंगा तो वही दशा मेरी थी, इसलिए वो पाठ आपको न दोहराइए तो ये था। Gracias.